अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद। अजकल अपू सिंध में नो बस छिड़ो। माजी में असी इंतहा पसंद मुलन जिया खोड़ सारन पेंजे असीम किरदारन के कदे जलील कंदा रहा हूं, कदे रुसवा कंदा रहा हूं, कदे ख्वार खराब कंदा रहा हूं। असा के ओसियो होंदो आ मां सिंध जे मानू जी गाल कंदस। कदें तो असा जो को किरदार, कदें तो असा जो को अदारो इड़ी का नंढी या वड़ी गलती करे वेजे जो असा उनके जलील ख्वार खराब करे छियो। एकड़ो मरेलो आयो जो सिंध जे एकड़े अजीम डाहे अजीम किरदार अमर जलील के उनकी एक गलती दे असा उनके अमर जलील बनाए छो उन खिलाफ इन हद तई मोम अली शायद धरती उनके जाए दे हलो वे असा उन माजी जो सब कुछ विसारे छो इल्म अदब ए दाहप के हवाले से उन वतन पे खिते बोली ला खिदमत सरंजाम दिन। अड़ी तरह से मुख्तलिफ़ नंढा नंढा गिरोह नंढा नंढा किरदार होजन या वड़ा किरदार अस हर सतह से इन इंतजार में हूं किथे तो को झोल अचे किथे थी का गलती थे जो असा उनके तहस नहस दवाए बर्बाद करियर के उन्हें किरदार के अड़ो कुछ अजकल केटीएन से थी रो है कावश केटीएन इन में को शक को तो माजी में इन कावश के इन केटीएन के इन मरतबे से पहुँचाने में अली काजी उनकी टीम जो उनके भाई जो किरदार अली काजी की जहानत का उनके वे माणप का सहाफती उनके पोरे का केर तो इनकार कर सके बया भले इनकार कर पर एक फनामिना में अली काजी खुद मुझे आइडियल अली काजी का पोई केटीएन ने कावश के केड़ा नुकसान पौता या पहुँचा इन का भी कोई इनकार को प्रोफेशनल एक दिलेर एक बहादुर मूँ जैसे साइड थी वे मामला नवन मूँ पिट चढ़न या उनकी प्रोफेशनल करियर जो एडो वो किरदार न हो या सवली सिंधी में ये चाहूँ तो हर मानू जो पैं सलाहत होंदन भाग हों पैंजो पोरियो पैंजी मेहनत होंदी है जी सलाह तू अली काजी में हुई शायद उनके भाई में बहन में न होजन यो अलग बात है पर असा की इंतजार तो असा कें भी अदारे फर्द या पैं किरदार सिर्फ गलतियों ना एक गलती जो इंतजार क्यों जो हशर कंदी वो डेह दिस डेह पो तेकर अजोकी वीडियो ठाण जो मुझे मकसद अज मुझे इन गुफ्तगु जो मकसद अज मुझे गालण जो मकसद अजोकी मुझी गुजारिश जो मुख्तसिर तरीन मकसद यो शायद उन दोस्तन के पैं माजी के गलत जो एहसास भी हो जन दोस्तन अमर जलील जड़े एक महान सिंध के किरदार कि जै नमूने से जलील कर पेश कर अज उन दोस्तन के एहसास होंद जर थोड़ी भी उन्होंने अखलाकी चुरत आए थोड़ी भी समझ आए थोड़ा भी फाम आए तो यकीन उनके पैं गलती जो एहसास हों अमर जलील की एक गलती थे मैं नंढी गलती न चुंदस मैं क्लियर कट तो चवं तो एक गलती थे उन गलती से अमर जलील से तनकीद कर पे सकजे उनते प्रेशर डेवलप करे पो सकजे करण घुर्जे हर हाल में थियण घुर्जे पर जै नमूने से अस बेरहम थी इन एडी वे अमर किरदार के एडे वे अजीम किरदार के हर जगह थे अमर जलील कर पेश सिंध में वह सोच वे पैमाने से मौजूद है या वह सोच मौजूद को या ये चवं तो चंद अड़ा मानून जी मीडिया से हावी सोशल मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो
शायद उन्हें जी सोच मौजूद आ शायद उ शरीर या उ शर पसंद उनके सिर्फ मौके जो इंतजार होंद शर को अदारो को किरदार को गलती कर वे उनके उन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट या सोशल मीडिया के उन अख्तियार जो उन पावर जो भरपूर इस्तेमाल करे बे के जलील करे बे के हेठ किराए पान के महान करण की नाकाम कोशिश थी रही है। सो मुझे गुजारिश यह है जिन दोस्तन अमर जलील के इन एडी वे अजीम डाहे के सिंध के एडे वे नाले के जलील कर पेश कर भरपूर मोह मलाई पर अमर जलील अज भी महान छो वे तो वक्ती तौर से नो डाउट उनकी तमाम वही तकलीफ गुजरण पे मायूसी थी उनका बरिया टाउन जो इशू थो सो महान कलाकार महान लफ्ज इस्तेमाल मुख्य नो लगे तो भोग चर्चन के हवा से हो फन जो आर्ट जो फन अली गुल मलाह में मान सुन सिंध में वक्त अली गुल मलाह के मट को आर्टिस्ट है को फनकार है जी एडो डाँव दिनो कुदरत जैसे जै भी किरदार के खी सचपच त उन मैसेज जो उन किरदार जो उन करेक्टर जो छान तो रोल होंद मैसेज होंद शायद अली गुल मला हिंदुस्तान जहा हो या उर्दू जो आर्टिस्ट हो सोन में तुर्ज आ पर इन एडी वी महान आर्टिस्ट फनकार के एक नंढी टेक्निकल गलती टेक्निकल गुफ्तगु लफ्जन की जोड़जक गुफ्तगु हुई बहरियाशू तो अली गुल छाचो जो उनके एडो जलील एडी तनकीद निशानो बनाया वो अनफॉलो ताई मोह मलाई वही फौरी तौर से कुछ कलाकार का उन टेक्निकल की गलती चजे या लफ्जन की एरा फेरी सही पर उन अदा न कर सको या उनको हद तक ओपिनियन हो जै नमूने से उनके जलील कर उन वक्त भी लगे पो तो घणन के इंतजार हो तो को अली गुल गलती कर वे तो उनके जलील क्यों उनके खुआर खराब कर माजी अच्छा जो सिंध के मानून के इंतजार हों ओसड़ो हों तो उन जो किरदार उनकी का शख्सियत उन जो को अदारो का गलती करे तो उनके दुश्मन के अग में असा तहस तहस क्यों नेस्ते नाबूद क्यों खुआर खराब क्यों अली गुल मलाह साहब ये थे उनका अजकल केटीएन जो वारो बहरिया टाउन से माना गालस छाकाण तो बहरिया टाउन जी अलॉटमेंट कें कई या जमीन कें दिनी कें शराकत से अग्या या पोया केर केर न तो जाने खुशी की गाल यह सिंधी कौम जानी चुकी सिंध के मानून सिंध के शौर सिंध के अहल दानिश सीधो सो सिंध सरकार जरदारी माफिया के जिम्मेवार ठहरा इन में कोई शक को बहरिया की जमीन का वेंदे उनकी अदावत का वेंदे इलाके के मानू सा जिका जुट पी थे इन सजे के पोया इन जुल्म डाढ़ के पोया जरदारी माफिया सिंध सरकार सिंध के मानू सिंध शौर उनके जातो आ सुतो आ जितनी लानत मलामत मलक रियाज थी ओतरी लानत मलामत सिंध सरकार जरदारी माफिया के थी पर असा उन इशू के भी हैंडल कर में नाकाम वासी अस इंतजामी तौर से एडा सगारा ना हुआस जैसे कर चंद शर पसंद या असा जो जज्बाती दोस्त बहरिया में जो कुछ कर नतीजे में सिंध जो शऊर सिंध जो सजन दिफाई पोषण में हल वो जी दिफाई पोषण में हुआ जी दिफा में पा कर सकन जी फरारियत के मूड में हुआ सिंध सरकार जरदारी माफिया वो सिंध के कौमी कारकुन के सिंध के सजन के टुकाए टुकाए गोले गोले वे पी गिरफ्तार पे कर तशद भी थे को टेम्पो जो जुड़ी आयो सरदारी माफिया के खिलाफ सिंध सरकार के खिलाफ ए सिंध के लुटींदड़ फुरीदड़ के खिलाफ वो सजो टेम्पो टुटी वो छो टुटी वो अस हिकमत अमल की खोट है असम नज़्म नज़्म ए ज़ब्त की खोट है पर वही बदकिस्मती गाल अजो के ऐतराफ़ कर तैयार को
दसा में नज़्म ऐं ज़ब्त जी खोट हुई, चवनि था साज़िश थी। भई साज़िश खे साज़िश करण जी में कामयाबी छो थी? असां वटि झोल हुया, असां वटि हिकमत अमली में झोल हुया, असां में उते ग्राउंड ते पंहिंजे सॼी हिन मूवमेंट खे कवर करण जे हवाले सां जेके इंतिज़ामी मामला उन हवाले सां असां में झोल हुया। असां इंतिज़ाम पंहिंजा न संभाले सघियासीं। इंतिज़ाम न संभाले सघण जे करे जेके कुवतूं इन सॼी तहरीक खे तबाह बर्बाद करणु चाहिनि पियूं, उन साज़िश कई ऐं असांजी साज़िश में कमिया पिया। ऐं उन साज़िश में असांजो जज़्बाती कारकुन उनजो सातारी बणियो। पर असांखे पंहिंजी ग़लतियुनि खे मञणो कोन्हे। असांखे सिर्फ़ु इहो चई वरी निंड करणी आहे त असांजे ख़िलाफ़ु साज़िश थी। उहे साक्षी टोला हुआ, साक्षी माण्हू हुआ। भई इहो साक्षी हुआ, हिन खां केरु थो इनकार करे? जिन वटि केमिकल्स हुया, जिन बाहियूं लॻायूं, उनखां केरु थो इनकार करे? उहे साक्षी हुया, उहे दहशतगर्द हुया। पर उन साज़िशनि खे एॾो आसानी सां पंहिंजी साज़िश में कामयाबी कीअं मिली? इहो मञिणो पवंदो त असां में इंतिज़ामी झोल हुया, टेक्निकल असां में झोल हुया। असां पंहिंजे हुजूम खे न संभाले सघियासीं। असां मामलनि खे एॾो टेकवर न करे सघियासीं जो को बि साक्षी जिन वटि जेके बि नाकाम इरादा हुया, पलीत इरादा हुया, जेके साज़िश करणु पिया चाहिनि, जो असां उन्हनि खे मुकमिल तौर ते पंहिंजी साज़िश में नाकाम करे सघूं। जॾहिं पूरी सिंध खे असां गॾाइण में कामयाबु हुआसीं, सिंध जे शौर खे गॾाइण में कामयाबु हुआसीं, असां ज़रदारी माफ़िया सिंध सरकार जे उन किरियल हरकतुनि जे ख़िलाफ़ु, मलिक रियाज़ जे उन कब्ज़ागिरी जे ख़िलाफ़ु सिंध जे माण्हुनि खे, सिंध जे शौर खे गॾाइण में कामयाबु हुआसीं, त पोइ असांखे इन खां पोइ जेका साज़िश थियणी उन खां बि न सिर्फ़ु बाख़बर रहणो बल्कि उनखे नाकाम करण लाइ उहे सभु वसीला इस्तेमालु करणा हुआ, जिन वसीलनि ज़रिए असां सिंध जे शौर खे, सिंध जे जनून खे गॾाइण में कामयाबु हुआसीं। पर असांखे पंहिंजी ग़लतियुनि जो न एतिराफ़ु करिणो आहे, न ग़लतियुनि जे एतिराफ़ खां पोइ उन जे अज़ाले लाइ मुस्तक़बिल में का हिकमत न जोड़ी। ख़ैर, इनखे त छॾियूं था। बरहाल अली गुल मला ज़लील कयो वियो। माफ़ियुनि खां पोइ बि घणियूं माफ़ियूं उनखे करणियूं पियूं। अॼुकल्ह KTN जे काफ़र थियण जो वक़्तु अची वियो आहे ऐं KTN काविश कोशिश जे मनसबनि ते वेठल खोड़ अहिड़ा सारा दोस्त जिन माज़ीअ में ॿियनि खे जंहिं मुड़ुसु ज़लील कयो, ॿियनि खे ख़्वार ऐं ख़राबु कयो, अॼु उहे दोस्त दिफ़ाई पोशन वज़ाहतूं कनि था, दलील ॾियनि था त टेक्निकली तौर ते KTN खां इश्तिहार, टेक्निकल तौर ते ग़लती थी जंहिंजे करे KTN खां इश्तिहार हली वियो, लिहाज़ा उहो इश्तिहार बंदि थी वियो ऐं KTN इंतिज़ामिया उन लाइ माज़रत ख़्वार। पर जेके हमलियावर धोरा उहे चवनि छाजी माज़रत, तव्हां विकाऊ, तव्हां दलाल, तव्हां गद्दार। जहिड़ी गद्दारीअ, जहिड़ी दलालीअ जे इल्ज़ाम माज़ीअ में अमर जलील ते, अली गुल मला ते या सिंध जे ॿियनि घण घोरनि सजणनि महान किरदारनि ते लॻंदा रहिया, उहे सभु इल्ज़ाम, उहे सभु फतवाऊं, उहे सभु बहतान अॼु KTN जहिड़ी तमामु वॾे अदारे ते लॻी रहिया आहिनि। मूंखे न सिर्फ़ु अफ़सोस थो थिए, मां सम्झां थो त सिंध जे समूरे अहल दानिश खे इन ते अफ़सोस करणु घुरिजे ऐं सिंध जे समूरे अहल दानिश खे, अहल इल्म खे, सिंध जे समूरनि सजण खे पंहिंजो जाइज़ो वठणो पवंदो। असीं इंतिहा पसंद जुनूनी मज़हबी मुलनि जीअं केसि ताईं काफ़र मुशरिक बिदती जूं फतवाऊं ॾेई माण्हू माराईंदा रहंदासीं, फितना ऐं फसाद कराईंदा रहंदासीं। हू काफ़र मुशरिक मुर्तद करार ॾेई माण्हू माराईंदा आहिनि, फितना कराईंदा आहिनि। असीं गद्दार, विकाऊ, दलाल जूं पर्चियूं असांजे खीसनि में पियूं आहिनि। शलन कंहिंखां थोरी बि ग़लती थिए, दानिस्ता या ग़ानत ग़ैर दानिस्ता, असांजा सभु तीर उनजे तरफ़ वसनि था। उन वक़्त ताईं जेसि ताईं हू दहस्त दहस्त न थिए, हू बर्बाद न थिए, हू ज़लील ऐं ख़्वार न थिए। सिंध जा सॼणो, तव्हीं कंहिंखे बि ज़लील न पिया कयो। तव्हां अमर जलील खे ज़लील न कयो, अमी पाण खे ज़लील करे चुका। तव्हां अली गुल मला जहिड़े महान कलाकार, आर्टिस्ट ऐं फनकार खे ख़्वारे ख़राबु न कयो। तव्हां पंहिंजे मुंहं ते दांगी मली आहे। अॼु अव्हां काविश ऐं KTN खे ज़लील ऐं ख़्वार न पिया कयो, उनखे तबाह बर्बादी लाइ कुझु न पिया कयो। अमी पाण खे ज़लील ख़्वार तबाह बर्बादी लाइ खूह पिया खोटियो, खॾा पियो खोटियो। पर यादि रखो,
जी बेंज ला खूह खोटींदा गडू खोटींदा उन्होंने आखिर उन्होंने करण पव तर अचो तो अजम क्यों वचन क्यों एक बे की थोड़ी थोड़ी गलतियों से एक बे के लिए एडा वा मसला क्रिएट न कदास एडी वी एक बे के खिलाफ नफरत की बाह न भड़कंदा एक बे के ये जलील ख्वार न कदास जी कंदा रहा जी क्यों पाया मुझे ख्याल में अच्छी दोस्ती को फतवा तो नीस फतवा अगे में अची वन पर मैं यो चंदस तो यह सिंध दोस्ती को वतन दोस्ती को यो पी धरती से प्यार को वे वी नादानी वे वी बेवकूफ़ी आई वे वो पान से जुल्म सतम जबर अदारा शख्सियतू किरदार रात के पेटन में न ठहंदा उन वर सदियों लगन वरियन सदियों का वी जाखोड़े जुस्तजू को जी शख्सियतू ठहन किरदार ठहन अदारा ठहन अस रात के पल में थोड़ी गलती थे उन्होंने अदार शख्सियत के तबाह बर्बाद जलील ख्वार ये कड़ी अकलमंदी तक अचो तो इन किस्म की बेवकूफ़ी नादानी जुनूनियत का बाहर निकरो मुख्य आखिर में भी गाल करनी जे दोस्त केटीएन के इन इश्तहार जज्बाती कतई तौर पर मैं क्लियर कर चवान तो नाली गुल मला के इन किस्म के माहौल में इन किस्म की स्टेटमेंट दियण घुर्जा बिल्कुल उन वक्त की भी गलती यो टाइम न हो लफ्जन जो इस्तेमाल में उन लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो गलती मौको न हो वो मौको बिल्कुल ही हो जैसा वतन दोस्ती ने वतन दुश्मनी भी साबित थे पर जै नमूने से उन टेक्निकल गलती थे उनको घेराव किया उनके जलील ख्वार किया उन सजी किरदार से पानी फेरे उनके जै नमूने से पेश किया जै नमूने से मैं कदें तो दिफा न कस अमर जलील जो वो मौको न हो वह गुफ्तगी वो अंदाज न हो जो अमर जलील सिंध सकाफती जाड़े के हवा से अपना पर इन एक गलती थी उन एडो जलील कर पेश किया उन सजी करियर के तबाह बर्बाद कर पेश किया वो कुछ भी ना सब कुछ तबाह अज काफ़िश केटीएन ला फतवाओं जारी तो उनको को कंट्रीब्यूशन को किरदार को ये गद्दार अपने गद्दार महागद्दार सब कुछ तबाह कुछ शर्म धारे कुछ हया धारे जहरिया इंतजामिया बहरिया जो इश्तहार हलन केटीएन एडी वी कुफर एडी वी गद्दारी दलाली की गाल तो सिंध जो हर मानू हर नंढो वो जाने चुको नंढे का नंढो वे का वो मानू चई चुको चे पो तो बहरिया टाउन के पोया सब कुछ सिंध सरकार आ सब कुछ आसिफ अली सरदारी आ तो तय कर जर इन किस्म की फतवाओं दियणियन इन शिद्दत ती इन इंतहा तौता हूँ तो बाइकाट कर सिंध सरकार के इश्तहार बाइकाट कर आसिफ जरदारी टुकर का जिन टुकर से घा पलन था मुझे सारी गुफ्तगु जो महवर है मकसद यो कोने कावश या कावश के या केटीएन के यो इश्तहार हलन घुर्जा कें भी कीमत तो इश्तहार न हलन घुर्जा कें भी कीमत तो इश्तहार न हले पर उन यो काफ़ी न हो सिंपल नमूने से प्रोटेस्ट सिंपल नमूने से कावश केटीएन के इंतजामिया के आइनो दिखारज तो भई तुम्हें दानिस्ता किया तमाम वा तमाम वो डोह जो नादानिस्ता तौर से गैर इरादन तौर से हि इश्तहार हली वो तो फिल फॉर यो इश्तहार बंद थे घुर्जे तवे सिंध के मूल का माफी वन घुर्ज सिंपल प्रोटेस्ट से सिंपल मैसेज से यो कर सकजे पो यो कर घुर्जे सिंपल प्रोटेस्ट सिंपल आइनो अली गुल मला के दिखा घुर्ज सिंपल प्रोटेस्ट सिंपल गाल सिंपल आइनो अमर जलील के दिखा घुर्ज कें गलती या कहीं एक नंढी गलती थे दुनिया जो सब फतवाओं सब गद्दारी जहा लकब सब दलाली जहा लकब सब काफर मुशरक मुर्त जहाँ फतवाओं मुलन जी अस दई वेरों वो तो लक्का गुंजाइश न हो सब कुछ तवा बाकी सब कुछ गद्दार सब दलाल सब बेकाओ तभी के एक बे के गलत इंतजार आ तलको सिंध जो अदारो शलको सिंध जो मू किरदार को आर्टिस्ट नंढे के नंढी या वे वही गलती करें तो उनके कैरियर से पानी फेरे उनके गद्दार अपने गद्दार धरती दुश्मन जो फतवाओं दे सजे कैरियर तबाह कर
किस तरह किस्म की शर्मनाक हरकतों का दारा दो तय करे जिके फतवाओं जी रहता तय मजनों आ तब पोषण जी समूरन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक अदारन के तय करनो पन दो तो जिस तरह सिंध सरकार एंड जरदारी माफिया बहरिया जी पुट बराई खां बात नहीं दी बहरिया जी आड़ में सिंध जे मानुन सा जे की ज्यादती किया जो को जुल्म थियो जो को जबर थियो जो को डाड थियो सिंध जे कौमी नाणे के धरती के जैन मुन सा विकियो वे जस तई जरदारी माफिया सिंध सरकार उन का हथ नथी खणे जस तई माफी नथी वटे तेस तई सिंध जो को भी टीवी चैनल सिंध जो को भी का भी अखबार जो सिंध में प्रिंट थे थी जो सिंध जी वो सिंध सरकार ए जरदारी जी पाकिस्तान पीस पार्टी जो इश्तिहार एडवर्टाइज जी का भी शे न छापींदा न हलाईंदा जेकर इन किस्म की गाल जेकर न रव हराम बूटी लाल तो असा के इन किस्म की शैतान का इन किस्म की फितनेबाजी का हाँ बाल अचो पव मुख्य उम्मीद है सिंध जो शऊर जागे पो सोचे पो सिंध जो जनून जागे पो सिंध बदल जाए पी बेहतरी तरफ सिंध पे सजणन ए दुश्मन के जाने पी जानन तरफ वजे पी मुख्य उम्मीद है सिंध जहा घण घुरा सिंध जो अहल दानिश अहल शऊर आज़ाद ख्याल से थदे दिल ए दिमाग से मामल के दिसंदी थदे दिल ए दिमाग से वसी जरफी से जी शन के दिसंदासी तो अस कैं गलती जो नोटिस भी वी कें गलती जे कैल गलती कैल गुना जो अंदाजो भी लगासी तो उनकी गलती केतरे पैमाने की उनके खिलाफ कड़े मरल में रिएक्शन थे घुर्ज केतो रिएक्शन थे घुर्ज ए पेरे मरल में थे घुर्ज बे मरल में थे घुर्ज टे मरल में थे घुर्ज या न सिर्फ इंतजार करो कंका नंढी कंका वही गलती थे उन गलती का सब कुछ के साड़े तबाह बर्बाद नेस्त नाबूद करो खुदारा इन किस्म की जुनियत का बाद अचो जर इन किस्म की जुनियत के हद तक वनो तो याद रखो अस मुलायत अस इंता पसंद मुलायत जुनूनी मुलायत जो भी रूप आयो उनके साथ भी कुछ बनाए जर न असि रोशन ख्याल सिंध जहा वारिस आयो अजीम ए कदीम सिंध जहा वारिस आयो मुझे दड़े तसलसल आयो तब वही मानू इंतई सवाजड़ा सोबर मुतबर सोचींदड़ वसी जरफ इल्म दाहप दानिश जहा वा दरिया समुंड तर अचो तो पैंजन की गलत जी निशानदेही पैंजा भी अंदाज भी कंदासी पैंजन की ज्यादत दिन जी अजाले लाए पैंजा पर रूप में इंदासी पैंजन के पैंजन जी आईनो दिखाने की कोशिश कंदासी पैंजी गलतियों पैंजे घर में भी हल करने की कोशिश कंदासी इंतई फहम अकल से मामला हल करने की कोशिश कंदासी पैंजन की कें भी इरादे तौर पर कल गलती या गैर इरादे तौर पर थियल गलती जो नोटिस वन उन इंतई समझदारी से फहम अकल से हल करने की कोशिश कंदासी न कि अदार या पैं किरदार जे सिर्फ गलत इंतजार कंदासी जैसे वो नंढे का नंढी गलती कन उनके सजे कैरियर के तबाह बर्बाद कर उनके साड़े खाकन कण जी कल हरकत कंदासी मुख्य उम्मीद है सिंध शऊर शन के समझदारी से ऐसा मुख्य उम्मीद है तो आईंदा पैंजन मानून पैंजे अदारन जे गलतन जे खिलाफ इन किस्म जा जुनूनी जज्बाती रिएक्शन न कंदासी आईंदा भी मां समझा तो आखिर में गाल क्या मां समझा तो कें भी अदारे का कें भी किरदार का कें भी आर्टिस्ट का कें भी आलिम का कें भी दानिश्वर का कें भी शायर का कें भी सहाफ़ी का सिंध के कें भी सजण का मुस्तकबिल में भी इन किस्म जो इरादन या गैर इरादन गलतियों थी सकंदियों ए जरूर थी खुदारा आईंदा पैंजन माउन जे गलतन जे खिलाफ़ इन किस्म जी फतवाऊ न दियो उनके खिलाफ़ रिएक्शन अचे उनके गाइड कियो उनके आईनो दिखारियो उनके होशियारी वठाया तो भाई छा तो करें ये केडा पोजी
हाँ जो होशियारी में ना अचे निशानदेही का बाज ना अचे प्रोटेस्ट का पीसफुल मुहसिब आईने देखने के बावजूद भी जो अदारो वो किरदार होश में ना अचे पैं गलती एहसास न करे भले बे मरले में तुम फतवाओं दियो टे मरले में तुम एडा शिद्दत पसंद इंता पसंद की वे घराव जलाव घेराव कर पर उन स्टेप तो कर स्टेप तो पे कदम में पेरे मरले में उन अदार शख्सियत जिला इन हद तुम फतवाओं सुबहराल मैं घो गालस अचो तो अजम कर अचो तो वचन कर तो पैं मान जो कदर कदी पैं अदार कदर कदी पैं किरदार प्यार कदी अचो तो अजम कर अचो तो वचन कर तो पैं अदार पैंजा किरदार पैं शख्सियत जो किथे भूल वन तो उनके भाकुर पाए उनके पानी जो छंडो मुँह हणी उनके जगण उनके होश मारने की कोशिश कदी अचो तो वचन क्यों अचो तो असम क्यों पैंजन के पैंजो थी करे आईनो दे खरीदासी अचो तो वचन क्यों पैंजन भुलजी वेलन जी पान रहनुमाई कंदासी अचो तो अजब क्यों अचो तो वचन क्यों पैंजे जी नंडी गलती ते उन जे खिलाफ इनो वडो तूफान फतवाओं जा तूफान लानत मलामतों जा तूफान गद्दारन जा लकब दलाल जा लकब जड़न किरल हरकतों का बाज इंदासी अचो तो नई सिंध नई सोच से नई अजब से नए जज्बे से अडण की कोशिश कंदासी अचो तो अजीम ए कदीम मुहज़िब सिंध के मुहज़िबाने मोहब्बत वाले अंदाज में नए सिरे से अडण ला पंजे हिस्से जो भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश कंदासी सिंध के मुहज़िब पिणी जरूरत है सिंध के पंजाब की जरूरत है पैंजन के पैंजे उठी रहनमई करनी जरूरत है मोकलानी सिंध सलामत साथ सलामत धन्यवाद।